अपनी दुकान का नाम है फ्रैश बाइट्स। फ्रैश बाइट्स से मैनू हो गए वैसे 7 साल हो गए दुकान मतलब फूड लाइन के काम करते हुए। तो इस तो पहले मेरा रेस्टोरेंट सेगा ते जिते थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया जिदे करके मैं दोबारा इतने आउटलेट तो काम स्टार्ट किया। मैनू हो गया 2 महीने इतने दोबारा स्टार्ट किए। उत्थे शॉर्ट सर्किट होने करके काफ़ी ज़्यादा लॉसिस हो गए थे तो हम दोबारा इतों स्टार्टअप किया। हूँ इस टाइम जी दुकान हैगी अपनी नकोदर रोड पर हैगी है जिदा आप लवली स्वीट्स के बिल्कुल नाल ज्योति चौंक तो आप नकोदर चौंक वाल जाइए वो सेंटर पै जाती है। एंड दैन अपने को जो फूड आइटम्स है बर्गर सैंडविच सैलड पास्ता रैप फ्रेंच फ्राइज स्प्रिंग रोल और मोमोज ये सारिया चीज़ा अपने हथे ही बनाई दी हैं। तो ना जो भी चीज़ा दे है सारे दे टेस्ट वगैरह के जो फूड की क्वालिटी है सारा हाइजेनिक ऑयल है हाइजेनिक ऑलिव ऑयल आप यूज़ करी दा बेचोद जिदा सोसेस हो गई सारिया अच्छी कंपनी दियाँ लाइक जो टिक्कियां वगैरह हो गई हर चीज़ आप फ्रैश और फ्रैश इनग्रीडियंट यूज़ करी है। ये भाजी मैं बना रहा रैप ये साढ़े पनीर चीज़ रैप है ये सारी हेल्दी सोसेस हैं अच्छी क्वालिटी की। ये भाजी एक नाल तंदूरी सॉस पा रहे हैं हनी मस्टर्ड सॉस हैगी है नाल ते चिली गार्लिक सॉस है नाल कोकंबर है आ गया ये ऊपर ही अपने चीज़ स्लाइस आ गए हैं। आ चिली गार्लिक सॉस आ गई ऊपर पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स का आप मसाला ऐड कर देता ये अपना रैप हम रेडी है हम अपना रैप ग्रिल होएगा इधर लो सर ये भाजी पनीर विद अनियन विद कैप्सिकम के नाल आपां हुण बना रहे पनीर मसाला सैंडविच ऊपर तंदूरी और चिली गार्लिक सॉस ऐड करके काफ़ी अच्छा फ्लेवर बन जाता है पनीर मसाला सैंडविच के विच। ये उपर पहले आप सारिया हेल्दी क्वालिटी विभा दिया सोसेस हैं सारिया विभा या फन फूड सारिया अच्छी कंपनी दी है ना सारिया सोसेस हमने तो उपर आप सारी टॉपिंग टॉपिंग भी आप जिन्या भी है ना ऑलमोस्ट ज़्यादातर टॉपिंग ना ऑलरेडी बना के रखी होंगी अपना नाल दी नाल ही फ्रैश रेडी करी दी है क्योंकि ऑलमोस्ट कितने भी आप जाने ना सारी टॉपिंग्स पहले ही रेडी कर लेंगे। सो आप इतने नाल दी नाल टॉपिंग्स रेडी करके सैंडविच में पाई दी ताकि ये ना गर्म गर्म टॉपिंग हो गए टॉपिंग का वक्रा टेस्ट आता वो ये उपर है वाइट चीज़ हैगी है चीज़ी फ्लेवर देने वास्ते दैन हूँ आप फिर ये तंदूरी सॉस ऐड कर देंगे। रैप अपने रेडी हो गए हैं डन इधर अपने रैप रेडी हो चुके हैं लो सर अपना रैप हो गया तैयार। ये उपर आप स्वीट अनियन सॉस की हल्की जी टॉपिंग्स कर सकते हैं लो
रैप दे उधर जो पर हल्का जा हनी मस्टर्ड का फ्लेवर ऐड कर देने होने सैंडविच अपना ग्रिल होने वास्ते जाएगा हूँ आप बना लगे आलू टिक्की बर्गर हाँ पास्ता भी लगा देने ये आप पहले वाइट मेयोनीज़ ऐड कर दी है ये उपर हल्की आप थाउजेंड सॉस की टॉपिंग है ये जिदा तुम मैगडी या सबवे बर्गर खाते हो ना ये वो वर्गे सेम फ्लेवर टेस्ट आ जाने ये थानू हूँ आप ये उपर तंदूरी सॉस ऐड कर दी है ये ओरिगैनो आ गया थोड़े जे आप कुकंबर के स्लाइसिस ऐड कर देंगे ये उपर आप चीज स्लाइस ऐड कर सकते हैं वैसे जो करना चाहिए था क्योंकि ये बर्गर सिंपल है आप प्लेन आलू टिक्की वैसे आप चीज स्लाइस भी ऐड करी था अपने कॉर्नस गर्म हो रहे हैं जिस कॉर्नस पैन गए दली साइड बर्गर अपने को वैसे सात तरह के हैं आलू टिक्की बर्गर है पास्ता बर्गर है कॉर्न बर्गर है पनीर बर्गर है मशरूम बर्गर है इदा ही आप हेल्दी अगर कुछ खाना तो हेल्दी में अपने को ब्राउन ब्रेड मरीन भी सेम फ्लेवर बना देते हैं इधरों अपने कॉर्नस हो चुके होने गर्म हूँ आप कॉर्नस ऐड करा बर्गर से गर्म गर्म कॉर्नस आ जाने ये अपना स्टार्टिंग आलू टिक्की बर्गर है इस तो बाद अपने को छः सात तरह के होर बर्गर के टेस्ट अवेलेबल है ये बर्गर अपने हम ये आप आलू टिक्की गर्म करांगे एंड जो टिक्कियाँ भी है सारिया मैकेन्स कंपनी दी हैं सारा टोटली अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है सारे के सारे बर्गर सर अपने खाने हैं पैक करने बर्गर खाने हैं पैक करने ठीक है सर अपनी टिक्कियाँ रेडी हो गया बर्गर आप फिर दोबारा ग्रिल करेंगे पर तवे ते तानी करते कई बार ना तवे ते खाने ना इस चीज़ का जलन होने लग जाती पर ग्रिल दे नाल ना स्मोकी फ्लेवर आ जाता थोड़ा तो अपने हम बर्गर रेडी हो रहे हैं बर्गर अपने ग्रिल हो गए ऑलमोस्ट जिन्या चीज़ें है कस्टमर अगर एक बार आता सूँ यह होंगे कि असं इदा की क्वालिटी देिए कि कस्टमर रिपीट आए एंड ऑलमोस्ट जिन्हें कस्टमर है साढ़े सारे कस्टमर रिपीट्स है लाइक जिदा अगर कोई रैप खाता है तो रैप की भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट कस्टमर है बंदा दूसरी चीज़ टेस्ट करने तो पहले उसके टेस्ट में ही घटो घट वीकली लगातार रैप ही ट्राई करता है सैंडविचेज भी काफ़ी अच्छे आप टेस्ट बनाई दे बर्गर लै लो बर्गर के अपने को छः सत्त तरह के बर्गर है जिसे आप पनीर मशरूम अलग अलग तरह की चीज़ा बना के बर्गर रेडी करते हैं लाइक आप कह सकते हैं कि जो गिरन वाला काम है ना बंदा अगर गिर गिर के दोबारा उठता है ना
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਨੀਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ